गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन कर रहे थे हम, पांच क्वेश्चन कर लिए थे, तो छठा क्वेश्चन है हमारे पास, उसको कंटिन्यू करते हैं। एनसीईआरटी की बुक अपने साथ में लेकर के बैठे हैं, नोटबुक पेन सब कुछ। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सिक्स नंबर क्वेश्चन है, अब मैच करेंगे। एक कॉपर वायर है जो डायमीटर ऑफ 0.5 मिलीमीटर, देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। एक कॉपर वायर है जिसका डायमीटर हमें गिवन है 0.5 मिलीमीटर एंड ए रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 × 10⁻¹⁸ ओम मीटर। How much of this wire would be required to make a 10 ohm coil? How much does the resistance change if the diameter is double? देखिए क्या-क्या वैल्यू गिवन है हमको देखते हैं। भाई आपके पास डायमीटर गिवन है 0.5 मिलीमीटर, तो इससे रेडियस निकल जाएगा और रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो 0.5/2, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 0.25 मिलीमीटर। ठीक है, अब इस मिलीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0.25 को 1000 से डिवाइड करेंगे और ये वैल्यू हो जाएगी 0.25 × दिस कैन बी रिटन एज 10⁻³, ये मल्टीप्लाई में ऊपर गया तो -3 मीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ये रेडियस आ गई तो आप इजीली आप क्या निकाल सकते हैं, एरिया, और एरिया के लिए क्या होता है फॉर्मूला, πr² तो a = पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई आर, कितना है 0.25 × 10⁻³² तो एरिया a = कितना हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू होगी 0.0625 × 10⁻⁶। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a = मल्टीप्लाई करके देखना बच्चों सारे, तो ये बनता है 1.375/7 × 10⁻⁶, तो इससे जो आंसर आएगा आपका एरिया निकलने का वो आएगा 0.1964 × 10⁻⁶। एरिया कैलकुलेट हुआ है तो एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम क्या दिया हुआ है, जो रेजिस्टिविटी होती है रो इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है एक वायर उसकी रेजिस्टिविटी, तो जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू दे रखी है 10 ओम, तो आपको निकालनी है कि लेंथ कि इस रेजिस्टिविटी के साथ 10 ओम कॉइल बन जाए हमारे पास, तो हमें लेंथ वायर की लेंथ को कितनी वायर की लेंथ चाहिएगी, कितने लेंथ का होना चाहिए वायर, वो चाहिए बताना आपको। तो देखिए रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ρ = होता है R × a/L, तो इस फॉर्मूले से यदि हमें लेंथ निकालने का फॉर्मूला बनाना है तो L = होगा R × a/ρ, तो L = R की वैल्यू दे रखी है 10 × a की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की थी 0.1964 × 10⁻⁶ डिवाइड बाय रेजिस्टिविटी की वैल्यू हमें गिवन है 1.6 × 10⁻⁸, सो L = इसमें भी सिंपलीफिकेशन करें, इसको थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो 10 × 0.1964 × ये 10⁻⁶ है, नीचे 10⁻⁸ है, ये मल्टीप्लाई में ऊपर जाएगा तो प्लस 10⁻⁸ होगा, प्लस 8 इधर −6, तो 10⁻⁴ कितना बचेगा 2 डिवाइड बाई इधर 1.6 है, तो इसका भी पॉइंट डालेंगे तो ऊपर चला जाएगा 10। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, 2 से कटेगा ये 5 पे, 2 से 8, ये 2 से 4, ये 5, तो लेंथ कितनी आ जाएगी आपके पास, लेंथ आ जाएगी 25 × 4 × 0.1964 × 10⁻²² सो L = इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, इसको कंप्लीट को मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आपके पास आएगी 4.91, ये वैल्यू बनेगी कुछ 4.91 / 4, और ये वैल्यू हो गई थी 122.75 मीटर, यानी कि एक डिजायर्ड अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि 10 ओम का रेजिस्टेंस आपको तब मिलेगा जब आपके वायर की लेंथ कितनी होगी 122.75 मीटर। दूसरे पार्ट में इसमें आपसे पूछा गया है कि How much does the resistance change if the diameter is double? यदि diameter को double कर दें तो resistance में कितना change होगा? अब एक relation होता है कि जो resistance होता है वो inversely proportional होता है to the square of the diameter. तो इस value में put करेंगे आप तो R = 1/diameter को क्या किया है? Double किया है तो double का square. So R = 1/4. तो resistance कितना हो जाएगा? 1/4 of the original value. This अगला क्वेश्चन है बच्चों, when a 12 volt battery is connected across a unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit. Find the value of the resistance of the resistor. Simple question है कि
कि जो रेजिस्टेंस दे रखा है वो रेजिस्टेंस दिया हुआ नहीं है, वो आपको कैलकुलेट करना है कि रेजिस्टेंस कितना होगा, अननोन रेजिस्टर की वैल्यू कितनी होगी यदि आपने उसको V=12 वोल्ट से कनेक्ट कर रखा है और उससे जो करंट उसमें फ्लो हो रहा है वो हो रहा है 2.5 मिली एम्पियर। तो पहले भाई इसको एम्पियर में चेंज करेंगे तो 2.5 डिवाइड बाई 1000, ये तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2.5 × 10⁻³ - 3 एम्पियर। ये करंट में, करंट की वैल्यू एम्पियर में चेंज होगी। अब रेजिस्टेंस ओम्स लॉ से निकालने का फॉर्मूला होगा R = V/I और V की वैल्यू कितनी है 12 ÷ 2.5 × 10⁻³ - 3। इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे तो 12 ÷ इसका पॉइंट हटालेंगे तो यहाँ पे 25 ऊपर जाएगा 10 और मल्टीप्लाई जो 10⁻³ था ऊपर जाएगा तो 10⁻³ कितना हो जाएगा 3। तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 5 2 और ये 24 ÷ 5 × 10⁻³। तो ये वैल्यू होगी 4.8 × 10⁻³। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेंगे आपके पास 4800। ठीक है, ये था आपका 7th क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। द बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड, ये 7th क्वेश्चन था। 8th क्वेश्चन देखिए, अब अपनी एनसीईआरटी बुक में भी चेक करते रहें सर सर। A battery of 9 volt is connected in series with a resistor of 0. भाई वैल्यू दी हुई है हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस की और सबको सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है और आपने निकालना है एक रेजिस्टर में करंट की वैल्यू को। तो ये 5 रेजिस्टर गिवन है और 9 वोल्ट की बैटरी के साथ इनको कनेक्ट किया हुआ है। तो इस तरह का एक सर्किट डायग्राम बनेगा आपके पास सिंपल सा। ये रजिस्टर R1 है, R2, R3, R4, R5, 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम और 12 ओम। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सारे रजिस्टेंस गिवन है, इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रजिस्टर, यानी कि इस वाले रजिस्टर में कितना करंट फ्लो होगा 12 ओम रजिस्टर में। तो सबसे पहले आप कॉम्बिनेशन देखें, कॉम्बिनेशन किस तरह का है, सीरीज में है और सीरीज में क्या सेम रहता है, सीरीज में रहता है करंट सेम, करंट रहेगा सेम और पोटेंशियल डिफरेंस इसमें डिवाइड हो जाता है। तो जितना करंट इस रजिस्टर में से जा रहा है सेम करंट R2 में भी जाएगा, वही करंट आगे R3 में भी जाएगा, वही R4 में, वही R5 में। इसका मतलब 12 ओम वाला जो रजिस्टर है उसके अंदर उतना ही करंट होगा जितना कि इन सब में। ठीक है, तो आपने जो करंट निकालना है वो ओम्स लॉ से करंट निकालने का फॉर्मूला होता है I = V/R और V की वैल्यू कितनी दे रखी है 9 वोल्ट की बैटरी दी है तो 9 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना होगा, तो इन सब का सम करना पड़ेगा आपको। तो सब का सम करेंगे 0.2 + 0.3 + 0.4 + 0.5 + 12, इससे जो रेजिस्टेंस आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 13.4, तो डिवाइड बाय 13.4। तो इसको और सिंपलीफाई कर लेंगे तो 9 ÷ 134 × 10 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो इसके आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कुछ ऐसे आएगी 0.67 एम्पीयर। आप सॉल्व करके देखेंगे सर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है भाई वो है हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पीयर इन 220 वोल्ट। इसको सॉल्व करते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर। ठीक है, तो करंट की वैल्यू आपको इस क्वेश्चन में दी हुई है कि 5 एम्पीयर करंट आपको मिल रहा है कितने वोल्टेज पे, 220 वोल्ट पे। तो आप यहां से रेजिस्टेंस निकालेंगे तो रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है फॉर्मूला, R = V/I। सो R = V की वैल्यू कितनी है 220 ÷ I की वैल्यू कितनी है 5, तो ये आ जाएगा 44 ओम। यानी कि हर एक रेजिस्टेंस का, हर एक जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस कितना है, उसका रेजिस्टेंस है 44 ओम। ठीक है, तो कितने रेजिस्टर कनेक्ट हो सकते हैं इसके अंदर, वो निकालने के लिए देखिए एक फॉर्मूला था पैरेलल के लिए RP = R/N, यानी कि नंबर ऑफ रेजिस्टर निकालने हो आपको तो नंबर ऑफ रेजिस्टर निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा R/RP, यानी कि 176 ÷ 44। और इससे जो रजिस्टर आएंगे मतलब 4 रजिस्टर आप कनेक्ट कर सकते हैं, 4 रजिस्टर आप कनेक्ट करेंगे, 4 रजिस्टर को किस में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और उनसे जो आपको अलाउबल जो करंट मिलेगा वो कितना मिलेगा 220 वोल्ट सप्लाई पे 5 एम्पीयर करंट मिलेगा। ये आपका क्वेश्चन था।
अगला क्वेश्चन है बच्चों, शो हाउ वुड यू कनेक्ट थ्री रजिस्टर ईच ऑफ रजिस्टर 6 ओम। भाई आपको मान लीजिए आपके पास तीन रजिस्टर गिवन है, ये 10th नंबर क्वेश्चन है, R1 R2 और R3, और हर एक रजिस्टर की जो वैल्यू है वो है 6 ओम। हाउ वुड यू कनेक्ट थ्री रजिस्टर ईच ऑफ रजिस्टर 6 ओम सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम एंड 2 ओम। यानी कि आपके पास एक ऐसा कॉम्बिनेशन आना चाहिए जिनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9 ओम निकले, और एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाइए जिससे आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम निकले। तो इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, और सोच करके आप देखेंगे कि तीन रजिस्टर हैं और हर रजिस्टेंस की वैल्यू 666 ओम है, ठीक। तो यदि हम इन तीनों रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो तीनों का कॉम्बिनेशन मिल करके यानी कि उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 18 ओम के इक्विवेलेंट होगा, लेकिन 18 ओम के इक्वल होगा, तो उस केस में इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, न तो 9 ओम मिला हमें, न 2 ओम मिला हमें, कितना मिला 18 ओम। यदि क्वेश्चन में ये गिवन होता कि तीसरे पार्ट में हम ऐड कर दें कि आपका रेजिस्टेंस 18 ओम का भी आना चाहिए, तो हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 18 ओम का, लेकिन 9 ओम का कब मिलेगा और 2 ओम का कब मिलेगा, तो उसके लिए आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो हमने सीरीज का बना करके देखा, हमें 18 ओम का रेजिस्टेंस मिल गया, हमें 2 ओम का कब मिल सकता है वो देखते हैं। यदि हम तीनों रजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करें और पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इनका जो इक्विवेलेंट रजिस्टर होगा वो कितना होगा, ये 6 ओम, ये 6 ओम, ये 6 ओम। इसका फॉर्मूला होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। सो 1/R = 1/6 + 1/6 + 1/6। 1/R = एलसीएम कितना है 6, 1 + 1 + 1 3/6, और R = करेंगे तो 6/3 यानी कि 2 ओम। तो ये वाली कंडीशन फुलफिल करने के लिए हमें सभी रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा, और ये वाली कंडीशन फुलफिल करने के लिए हमें सभी रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो 9 ओम की कंडीशन कब आ सकती है, एक बार करके देखें, इनमें से दो रजिस्टर को आप पैरेलल में कनेक्ट करें, R1 R2 को पैरेलल में कनेक्ट किया और R3 को इसके साथ सीरीज में किया, ये R1 ये R2 ये R3 6 ओम 6 ओम 6 ओम, ये कॉम्बिनेशन बन गया पैरेलल का। तो जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हो तो उनके लिए थोड़ा शॉर्टकट फॉर्मूला टाइम बचे आपके पास, तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, R1 R2 / R1 + R2। सो RP = 6 × 6 / 6 + 6। तो ये बनेगा 36/12, ये कितना आया, तो इनका कॉम्बिनेशन हमारे पास कितना आ रहा है 3 ओम। तो 3 ओम, ये 6 ओम, ये 3, ये 6 ओम। तो अब ये कॉम्बिनेशन हमारे पास जो है ये कैसा बन गया, ये सीरीज बन गया, और सीरीज में जब हम दोनों को कनेक्ट करेंगे तो ये बनेगा 9 ओम की इक्वल। तो 9 ओम की कंडीशन को फुलफिल करने के लिए आपको दो रजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करना है, उसके साथ तीसरे को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन था आपका 10th। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। Several electric bulbs designed to be used on a 220 volt electric supply line are rated 10 watt. देखिए बल्ब दिए हुए हैं बहुत सारे आपको, और वो 220 volt पे ऑपरेट हो रहे हैं, और उस बल्ब की जो पावर दे रखी है वो दे रखी है 10 watt, ठीक है। How many lamps can be connected in parallel with each other across the two wire of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere? कि आप पैरेलल में कितने इलेक्ट्रिक बल्ब को कनेक्ट कर सकते हैं, तो उससे पहले आप निकालेंगे इसका रेजिस्टेंस बल्ब का कितना होगा, रेजिस्टेंस ये हमें कैलकुलेट करना है। पावर पी इज इक्वल टू फार्मूला होता है V² / R। इस फॉर्मूले को यूज में लेके हम रेजिस्टेंस डायरेक्ट निकालेंगे, R = होगा V² / P। तो R = V की वैल्यू है 220 × 220 / P की वैल्यू है 10। तो ये जो रेजिस्टेंस आएगा आपका 4840 ओम, यानी कि हर बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 4840 ओम, ठीक है। और मैक्सिमम अलाउएबल करंट जो मिल रहा है, अब इनको हमने पैरेलल में कनेक्ट करना है, उससे जो मैक्सिमम अलाउएबल जो करंट हमें मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 5 एम्पियर, कितनी वोल्टेज पे 220 वोल्टेज पे। तो यहां से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं R = V / I। पैरेलल के केस में सो R = V की वैल्यू कितनी है 220 / I कितना है 5, तो 44 ओम, ठीक है। तो आपने निकालना है कि नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कितने कनेक्ट होंगे, तो पैरेलल में कनेक्ट किए हैं सभी रेजिस्टर बल्ब को, तो RP = एक फॉर्मूला होता है R / N।
तो नंबर ऑफ रेजिस्टर निकालेंगे तो एन इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई आर। सो एन इज इक्वल टू कितने हैं, 4840 डिवाइड बाई 44। तो इसे कनेक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, एन इज इक्वल टू 110 बल्ब, यानी कि 110 बल्ब को आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था आपका 11th नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों अपने पास क्वेश्चन नंबर 12, आप मैच करें अपनी बुक से। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में अगला क्वेश्चन है, ए हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट लाइन हैज टू रेजिस्टेंस कॉइल ए एंड बी ईच ऑफ 24 ओम रेजिस्टेंस। आपके पास दो कॉइल हैं ए और बी, और दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो 24 ओम है, यानी कि दो कॉइल जिसके रेजिस्टेंस को हम मान लेते हैं आर वन आर टू, और दोनों का जो वैल्यू है वो 24 ओम, दो कॉइल होगी ए और दूसरी कॉइल है बी, इनका रेजिस्टेंस कितना है 24 ओम। ठीक, आगे पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन। विच मे बी यूज सेपरेटली इन सीरीज और इन पैरेलल, कि ये एक बार उनको सेपरेट यदि कनेक्ट करें तो उनमें करंट कितना होगा, और सीरीज में कनेक्ट करें तो कितना करंट होगा, और पैरेलल में करें तो कितना करंट होगा, तो इस कैलकुलेशन का होगी। तो तीन केस बन गए यहाँ पे, सेपरेटली यानी कि अलग अलग जब इनको यूज करते हैं तो करंट कितना हो, सेपरेटली केस में करंट I इज इक्वल टू क्या है, करंट I इज इक्वल टू क्या होता है V अपॉन R, और हमारे पास जो वैल्यू है V इज इक्वल टू कितना दे रखा है 220 वोल्ट और R इज इक्वल टू है 24 ओम। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, V की वैल्यू 220 डिवाइड बाय R की वैल्यू कितनी है 24, तो इससे कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, यह वैल्यू बनती है आपके पास 9.16 एम्पियर। आप कैलकुलेशन करके देखेंगे। सेकेंड जो पार्ट है उसमें आपने क्या करना है कि दोनों जो कॉइल्स हैं उनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे, मतलब कुछ ऐसे, ये R1 ये R2, दोनों की वैल्यू 24 ओम, तो रेजिस्टेंस टोटल कितना बन गया 48 ओम। तो अब कितना करंट होगा इसमें, I इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा V अपॉन R, 220 डिवाइड बाय R की वैल्यू कितनी बन गई 48 ओम। इसको भी सोल्व करेंगे तो सोल्व करने से जो वैल्यू आती है आएगी आपके पास 4.6 एम्पियर। ये सीरीज का केस था, जब इन रजिस्टर को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, दोनों कोइल को पैरेलल में करें तो पैरेलल में कनेक्ट करने से ये R1 है भाई, ये R2, इसकी वैल्यू 24, इसकी वैल्यू भी 24 ओम। तो आर पी यानी कि पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन को सोल्व करने के लिए फॉर्मूला होगा आर वन आर टू डिवाइड बाई आर वन प्लस R2, so RP is equal to 24 multiply 24 divided by 24 plus 24, so 24 multiply 24 divided by इनका सम कितना हो जाएगा 48, ये 2 से जाएगा, तो रेजिस्टेंस कितना बन गया 12 ओम के इक्वल रेजिस्टेंस बन जाएगा पैरेलल में। अब करंट निकल जाएगा ओम्स लॉ से, I is equal to होता है V upon R और V की वैल्यू 220 divided by 12, और इससे जो करंट आएगा इसमें वो वैल्यू आती है 18.3 एम्पियर। ठीक है बच्चों, यदि हम एक रेजिस्टर को सेपरेटली यूज करते हैं तो हमें जो करंट की वैल्यू मिलती है इतनी वोल्टेज के ऊपर 9.16 एम्पियर, यदि सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो 4.6 एम्पियर, और यदि पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो 18.3 एम्पियर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था 12th नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास एनसीईआरटी में ही, कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रेजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। कि आपके पास एक सर्किट दिया हुआ है, ए 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विद 1 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टर, कि भाई ये सर्किट है जिसमें दो रेजिस्टर कनेक्ट है, ये R1 ये R2, और ये 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट है प्लस माइनस, और ये 6 वोल्ट की बैटरी, इससे करंट इसमें I फ्लो है। ठीक है, आप तो कैलकुलेट क्या करना है, कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ओम रेजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट, ए 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विद 1 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टर। तो पावर कितनी होगी इसके अंदर 2 ओम रेजिस्टर में, ये 1 ओम वैल्यू है, ये 2 ओम, इसमें आपको पावर पूछी गई है। तो देखिए जो नेट रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कह लीजिए या टोटल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, नेट रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, सीरीज में है तो सीरीज में जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, R1 प्लस R2, यानी कि कितना बन गया ये 3 ओम का रेजिस्टेंस बन गया।
3 ओम का रेजिस्टेंस बन गया, तो आप इससे निकाल सकते हैं क्या, करंट निकाल सकते हैं। ओम्स लॉ से करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू V अपॉन R, और V कितना है 6 डिवाइड बाय R कितना है 3, तो इसका मतलब इस सर्किट के अंदर करंट कितना जा रहा है 2 एम्पीयर, I इज इक्वल टू 2 एम्पीयर करंट इस सर्किट में फ्लो हो रहा है। तो अब हमें निकालना है पावर, तो पावर निकालने की पावर इसमें कितनी कंज्यूम हो रही है, तो उसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे। रेजिस्टर्स कनेक्ट है सीरीज में और हमने पावर के दो फॉर्मूले कैलकुलेट किए थे। जब आपको पावर कैलकुलेट करनी हो तो पावर के लिए फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू VI। इसी फॉर्मूले से हमने ओम्स लॉ, इस पे ओम्स लॉ अप्लाई करके दो फॉर्मूले और बनाए थे, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R और P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। ये दो फॉर्मूले हमने कल पढ़े थे, ठीक है। तो हमने ये बताया था कि जो पावर होती है वो रेजिस्टेंस के एक केस में तो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और दूसरे केस में आप देखेंगे जो पावर है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इन दोनों फॉर्मूलों का यूज कब कब करना है ये भी बताया था, जब रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होंगे और उस केस में आपसे पावर कैलकुलेशन पूछी जाती है तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, यानी कि पैरेलल के केस में, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और जब रेजिस्टेंस सीरीज में हो तब आपने ये वाला है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर पावर को कैलकुलेट करने के लिए इसको यूज करेंगे। तो यहाँ दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हैं तो P इज इक्वल टू, आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर या P इज इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी कैलकुलेट की है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई आर, यानी कि क्वेश्चन के शुरुआत में दे रखा है कि जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम रेजिस्टेंस में पावर निकालनी है, तो आर की वैल्यू कितनी रखेंगे 2। यदि कंप्लीट में पूछें तो आप 3 रख देते, तो P इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर होगा 4 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 8 वाट, ठीक है बच्चों। तो सीरीज के केस में कितनी पावर आई 8 वाट। दूसरे केस में हम देखते हैं कि ये 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विद 12 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टर। दूसरे केस में हमारे पास दो रेजिस्टर हैं वो सीरीज में जुड़े हुए हैं, एक रेजिस्टर ये है एक रेजिस्टर ये है, ये R1 ये R2, ये 12 ओम का है ये 2 ओम का है, ठीक है। आपने अब की बार पावर इसमें निकालनी है, तो यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो आर पी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो R1 R2 के केस में देखेंगे आप 12 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 12 प्लस 2 तो 24 डिवाइड बाई 14, 2 से कटेगा ये 12 आएगा, 2 से 7 यानी कि 12/7 ओम, ये इनका टोटल रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। आपने पावर कैलकुलेट करनी है, दोनों रजिस्टर सीरीज में है तो आपके पास फॉर्मूला आप लगाएंगे P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। तो P इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है, यहाँ इस केस में जो V की वैल्यू दे रखी है भाई वो वैल्यू दे रखी है 4 वोल्ट। अब की बार ये कितने से कनेक्ट है 4 वोल्ट से, तो 4 वोल्ट पे कनेक्ट है तो इसमें करंट डिवाइड होता है, एक में चला जाएगा I1 दूसरे में चला जाएगा I2 इस तरह से। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 डिवाइड बाई R कितने में निकाल रहे हो आप 2 ओम रजिस्टर में निकाल रहे हो, तो 2 इसका भी पावर कितनी आ जाएगी 8 वाट, ठीक है बच्चों। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, आप चेक करें अपनी बुक में। 2 लैंप, 1 रेटेड 100 वाट एट 220 वोल्ट एंड द अदर 60 वाट एट 220 वोल्ट। देखिए दो लैंप दिए हुए हैं आपको, दोनों की पावर गिवन है, पावर एक की मान लेते हैं P1 इज इक्वल टू 100 वाट और दूसरे की पावर मान लेते हैं P2 इज इक्वल टू 60 वाट। ये क्वेश्चन है, ये V इज इक्वल टू 220 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है और ये भी V इज इक्वल टू 220 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है, ठीक है बच्चों। इट्स कनेक्टेड इन पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई, व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट, ठीक है। आप निकालेंगे इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, R इज इक्वल टू इसका भी रेजिस्टेंस निकालिए इस लैंप का भी और इसका भी रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो पावर P इज इक्वल टू होता है V स्क्वायर अपॉन R और R इज इक्वल टू होता है V स्क्वायर अपॉन P। तो यहां से इसका रेजिस्टेंस निकल जाएगा, R इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है 220 मल्टीप्लाई 220 डिवाइड बाय 100। तो इस बल्ब का जो रेजिस्टेंस होगा लैंप का वो 484 ओम होगा। यहाँ से आप अप्लाई करेंगे वही फॉर्मूला P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R और R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P। सो R इज इक्वल टू इस बल्ब का जिसकी पावर 60 वाट है उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 220 मल्टीप्लाई 220 डिवाइड बाय पावर कितनी है इस वाले बल्ब की 60 वाट। 10 से 10 कैंसिल होगा, 2 से आएगा 3, 2 से इधर आ जाएगा 11। सो R इज इक्वल टू
2420 डिवाइड बाय 3, तो ये वैल्यू हो गया आपके पास 806.7 ओम। ठीक है, अब आपको कहा क्या है कि यदि हम दोनों रजिस्टर को यानी दोनों लैंप को यदि पैरेलल में कनेक्ट कर दें, तो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो ये वैल्यू इस तरह से इसका सर्किट डायग्राम बनेगा, और 220 वोल्ट सप्लाई लाइन से इसको क्या करना है, कनेक्ट करना है 220 वोल्ट, तो करंट फ्लो होगा। इसलिए ये मानते हैं हम R1 और इसको मानते हैं R2। इसकी वैल्यू आई थी 484 ओम और इसकी आई है 806.7। पैरेलल में है तो पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने के लिए आप इज इक्वल टू, मैंने फॉर्मूला बताया था, R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। सो RP इज इक्वल टू, R1 कितना है 484 मल्टीप्लाई 806.7 डिवाइड बाय 484 प्लस 806.7। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय इन दोनों का सम करना है, जो भी वैल्यू आएगी वो आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा पैरेलल के केस में टोटल। अब करंट कितना ड्रॉ कर रहा है, I इज इक्वल टू ओम्स लॉ से क्या होगा, V अपॉन R, V की वैल्यू है 220 डिवाइड बाय जो वैल्यू यहाँ पे सॉल्व होने के बाद आएगी उसको आपने यहाँ पुट कर देना है, और जो आंसर आएगा वो करंट ड्रॉ आ जाएगा आपका आंसर, आप उसको खुद सॉल्व करेंगे आगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इतने जो मेरे क्वेश्चन थे आपके NCERT के सॉल्व किए हैं, तो आगे बचे हुए क्वेश्चन आप खुद करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।